अक्षय समंत्रा जी का सवाल, और इन्होंने पूछा है केपीआर मिल्स के बारे में। 30 शेयर हैं इनके पास, 745 का इनका भाव है। पूछ रहे हैं 1 साल के लिए और रख सकते हैं क्या, अभी इसमें सिर्फ रखे रहें या कुछ और भी जोड़ लें। देखिए कि एटलीस्ट ठीक ठाक वो कर रहा है स्टॉक केपीआर मिल्स। एक काम कर सकते हैं, आपने लिया है 30 at 7:45। जी ओके, तो आपके पास रिस्क बहुत ज्यादा इसमें नहीं लीजिएगा, मुझे ऐसा लगता है, बाकी डिसीजन आप खुद लें। एग्जैक्ट सपोर्ट आप मुझे पूछेंगे तो अराउंड 710 आ रहा है, लेकिन थोड़ा अगर आप डिविएशन देंगे इसको तो 700 जा सकता है। करना ये चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि 700 के ऊपर जब तक रहता है, क्लोज उसके नीचे नहीं होता है, तब तक मेरे अंदाजे से इसमें होल्ड रहने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो हो जाता है तब फिर दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मैं थ्रोबैक देख रहा हूँ कहाँ तक जा सकता है। तो आज के डेटा के हिसाब से थ्रोबैक 700 तक तो पॉसिबल है, 700 तक। उसके नीचे थ्रोबैक नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके नीचे फिर ये डबल टॉप के स्ट्रक्चर से काम करेगा, और डबल टॉप के स्ट्रक्चर से काम करेगा तो क्या 600 जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। इसलिए अभी ज्यादा इसमें बोलना सही नहीं है। मेन है कि 700 के ऊपर जब तक है डबल टॉप स्ट्रक्चर को हम नहीं मान सकते हैं, 700 के नीचे हमें डबल टॉप स्ट्रक्चर मानना पड़ेगा, और फिर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं होगा। जी, तो फिलहाल अभी ये पूछ रहे हैं कि और भी ऐड करें क्या, तो क्या उस कैटेगरी में ये शेयर आता है कि और ऐड करना चाहें तो कर लें अगर नीचे के भाव मिलते हैं तो। देखिए इनका खरीद है 7:45। मैं नहीं समझता कि ये स्टॉक विदाउट 10% डिफरेंस कोई एवरेजिंग का मामला बनता है, और क्योंकि फिर मीनिंगफुल नहीं है ना, फिर तो आप एवरेज करते रहेंगे 10-10%, तो 10 बार थोड़ी करेंगे। तो इस हिसाब से क्या है, और 700 के नीचे एवरेजिंग नहीं बनती है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होगा। तो एवरेजिंग के लिए डायरेक्शन, जो जिस डायरेक्शन में हम चाहते हैं एवरेज करना, वो मेंटेन रहना चाहिए, और वो तभी तक मेंटेन है कि 700 है। तो आपने कुछ भी ट्राई करना है तो उसमें आपके पास 700 का एक स्टैम्प है, उसके नीचे अच्छा, में अगर अगर सेवन देखिए हंड्रेड 700 के नीचे जाने लगे, इनका 1 साल का नजरिया है, तो उस समय क्या करना चाहिए? 700 को स्टॉप लॉस समझ करके उस समय एक बार को ये लिए निकल जाना चाहिए, या उस पोजीशन को होल्ड करें और नई एंट्री के लिए एक मीनिंगफुल करेक्शन हो जाए, जैसे 600 के आसपास लौट आए तो वहां पे क्वांटिटी बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं। टेक्सटाइल्स तो वैसे भी 5 साल 10 साल का स्टोरी है, होल्ड करना। प्रॉब्लम क्या है कि इन्होंने जिस जगह पे लिया है, अब ये सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है कि क्या ये ट्रेड के लिए लिया और गले पड़ के इन्वेस्टमेंट बन रहा है, बिकॉज जिस जगह पे लिया है इन्वेस्टमेंट के लिए वो तैयारी नहीं होती है, मेरा जहां तक समझ के आता है। तो अगर आपका मन ट्रेड का था और अब आप सांत्वना के लिए इसको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये बिल्कुल गलत है। इसलिए आप अपने मेथड को पहले सही कीजिए। अगर आपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लिया था तो पहला वो नहीं करना था। दूसरी चीज, जितना लिया है ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा अभी और छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। 700 के नीचे गया तो थ्योरी कहती है कि रिस्क कंटेन करना चाहिए, लेकिन 5 साल के हिसाब से आप पता नहीं, 5 साल के हिसाब से 600 रुपये पे कुछ वैल्यू बनेगा तो इवेल्युएट करेंगे इसमें फंडामेंटली उतना वैल्यू बनता है कि नहीं, ये भी एक बार देख ही लेते हैं फटाफट। ये पीआर मिल्स शायद नहीं बनना चाहिए, इतना तो नहीं बनना चाहिए। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये इस वैल्यूएशन पे और इस ग्रोथ पे एवरेजिंग का फंडामेंटली भी ये कैंडिडेट मुझे तो नहीं लगता, तो इसमें नहीं रिस्क लेना चाहिए। जो है उतने पर रिस्क ले सकते हैं, बिकॉज ले लिया है। अब उसमें भी देखिए, जी 700 के नीचे गया तो थ्योरी कहती है कट करो, और 800 के ऊपर गया तो थ्योरी कहती है ऐड करो। तो अगर आप उछल कूद करना ही चाहते हैं तो ये दोनों रेंज के आगे पीछे में उछल कूद कीजिए। बाकी देखिए, लेन बिल्कुल चेंज करके कोई आज तक फर्स्ट हुआ नहीं है, लेन में रह के ही फर्स्ट हुआ जाता है। जी, चलिए, तो इन बातों का ध्यान रखिए और उसके हिसाब से अपना निर्णय लीजिए।